साथ आशीष कुमार की खास रिपोर्ट कानपुर। नमस्कार दोस्तों, पब्लिक लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूँ राधा कृष्ण पांडे जी के पास, जो कानपुर के डायस और बायस के अध्यक्ष रहे हैं, और उनको काफी जानकारी है। उन्होंने लीगल केयर सर्विस डाली है, उसके बारे में पूछ रहे थे लीगल केयर सर्विस है क्या। पहले तो इनके बारे में पता करना चाहिए, राधा कृष्ण पांडे जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या उनके काम है, रुचि क्या क्या उनकी। पांडे जी नमस्कार। मैंने PhD मैथमेटिक्स करने के बाद लॉ सेक्टर अपनी शिक्षा से चुना था, और मैं आज ये महसूस करता हूँ लोगों को लीगल सर्विस देकर निश्चित रूप से हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ है। लीगल सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश करने का विचार बहुत समय से था, क्योंकि इस कानपुर शहर की बहुत बड़ी आबादी के बीच सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि महंगे एडवोकेट या महंगे बिजली विशेषज्ञ उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते, और जो निगरी एडवोकेट हैं वो सच में उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें कानूनी सहायता और शिक्षा नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में इसके संबंध में एक थोड़ा सा संगठित रूप से लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, ताकि समाज के हर वर्ग को हम कम से कम कानूनी समर्थन दे सकें, सहयोग दे सकें। इसके लिए हमने निश्चित रूप से कुछ सम सर्टेन सब्जेक्ट को चूज किया है। उस सब्जेक्ट से जुड़े कोई भी प्रश्न है उन्हें सीधे मोबाइल फोन पर, व्हाट्सएप पर या वो अगर इंफॉर्मेशन देता है तो हमारे सेंटर से उन्हें निश्चित रूप से संपर्क करके और किस तरह की सहायता प्रदान की जाए। बस और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि किस प्रकार की जो समस्याएं लोगों की हैं उस पर मेन विशेष किस पर आप बल देंगे? सबसे ज़्यादा समस्या इस घने शहर में लोगों की रहने की है एक, और दूसरी समस्या जो सबसे बड़ी है जो पारिवारिक विघटन की पैदा हो रही है। दो समस्याएं ऐसी हैं जिससे शहर पूरा परेशान है। पहली तो सवाल ये है कि मकान मालिक अपने वर्तमान कीमतों की बड़ी हैं, हर कीमत पर वो मकान मालिक अपना मकान खाली कराना चाहते हैं। किराएदार जो किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, जो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके पता लगा तीसरी पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं, उनके पास रहने की समस्या नहीं होती है। सरकारी योजनाएं बहुत थोड़ा बहुत डेवलप कर पाती हैं, तो इस सिलसिले में भले ही कानून जो नया कानून आया है उससे मकान मालिकों के पक्ष में ही ज़्यादा समर्थन है, लेकिन किराएदारों को भी कम से कम इतनी सहूलियत हो कि ताकि वो अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्हें समय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पब्लिक लाइव चैनल से जुड़ने के लिए।